हेलो फ्रेंड्स, मस्त मगर रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है मेटा क्वेस्ट 2, विच इज फेसबुक का जो नया नाम है मेटा, उसका क्वेस्ट 2 है। पहले इसको ऑकुलस कहते थे तो अब उसको क्वेस्ट 2 कहने लगे हैं। 3 जल्दी आने वाला है, उससे पहले समझ लेते हैं हमारे लिए किसी काम का है या नहीं और इतना वर्थ है या नहीं। तो ऑलरेडी यूज्ड यूनिट है, मैंने अपने एक दोस्त से ली है, लेकिन सारी एसेसरीज इंटैक्ट हैं। पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे, मैं आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो डेफिनेटली ये एक वीआर सेट आता है, इसको देखेंगे, ऑफकोर्स पूरे टाइम यही देखने वाले हैं। और फिर ये एक चार्जर आता है जिसमें कि दोनों तरफ से USB-C केबल है, दोनों तरफ से USB-C केबल है। चार्जर जो है वो 10 वॉट्स वाला है, और इसलिए बी केयरफुल अगर आप 18 वॉट वाला एप्पल वगैरह का लगाना चाहें तो बी केयरफुल। मेरे हिसाब से सी वो लगाना चाहिए, 10 वॉट से ऊपर का ना लगाएं। और इसके साथ आते हैं दो कंट्रोलर, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो बॉक्स में मोटा मोटा यही निकलता है, इसके अलावा इसमें दो चीजें और निकलती हैं। ये तो है ग्लासेस सेपरेटर, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मैं चश्मा लगाता हूं तो मेरे को इससे बहुत ज्यादा हेल्प करी। इसकी हेल्प से बेसिकली जो आपके चश्मे हैं वो लेंसेज से थोड़ा दूर रहते हैं। और ये एक सिलिकॉन कवर है, और मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है। बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली इंडियन कंडीशन में ये वर्थ है। इसके अलावा डिब्बे में थोड़ा सा पेपर वर्क निकलता है और ज्यादा कुछ नहीं है। डिब्बे में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपनी असली चीज के ऊपर, विच इज हेडसेट। तो ये हेडसेट है, आप इसको पहली बार देखोगे ना तो देखते ही आपको ना एक बहुत अच्छा सा इसमें फील आएगा। ओवरऑल जो फिनिश है, बिल्ड क्वालिटी है, काफी ज्यादा अच्छी है। यहां अगर आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा हो तो यहां पर मेटा का लोगो लगा है। इसमें 4 आगे फ्रंट में सेंसर्स हैं जो कि बेसिकली कैमरे का रोल भी प्ले करते हैं। तो जब आप इसे लगाते हो तो आपको बाहर का भी सीन इसमें दिखाई देता है कि रूम कैसा लग रहा है, तो विच इज वेरी गुड। स्पेशली जब आप सेटिंग करते हैं तो रूम की तो अंदर से दिखाई देता है, तो आपके ट्रिप होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये यहाँ पर बेल्ट है, इसको यहाँ से इसको खोल सकते, इसको खींचेंगे आप तो ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, और इसको वापस ऐसे खींच दीजिए तो ये अंदर को लग जाता है ऐसे करके, विच इज वेरी गुड टू एडजस्ट, काफी अच्छा है। ऊपर से ये है, ये भी ऊपर से लगाने वाला है, वेल कैरो है इसमें, तो यहाँ से इसमें फिट हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी सी कुशनिंग है, विच इज वेरी गुड। अभी बात करते हैं इसकी कि इसका इंडिया में क्या होता है। बस मैं बार बार इंडिया इंडिया बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग अगर आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, यहाँ पसीना आता है आपको तो ये गंदा हो सकता है। तो इस केस में आपको इसमें ये जो सिलिकॉन कवर मिला है ये आप इसके ऊपर लगा लेते हैं और बहुत अच्छे से इसके साथ काम करता है, और आपकी जो ये फोम वाली कुशनिंग है ये खराब नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे पता नहीं दिखाई दे पा रहा है कैमरे में क्या, नहीं यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये लेंस है, यहाँ से आप इसको कम या ज्यादा इसकी डिस्टेंस कर सकते हैं, 1, 2, 3, ये 3 सेटिंग्स हैं। इससे आप आईज के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल काफी ठीक ठाक सी सेटिंग है, डिवाइस काफी अच्छी फिटिंग के साथ आती है, अनकंफर्टेबल नहीं है। वेट रेशियो काफी ठीक ठाक सा है, थोड़ा और कम हो सकता था, लेकिन ओवरऑल मेरे को तो लगता है ये मस्त है। एप्पल ने जो विजन प्रो निकाला है उसमें वेट काफी कम है, क्योंकि उसमें बैटरी जो है वो काफी बैटरी नहीं है बेसिकली उसमें, तो वो उसमें आपको अलग से लगाना पड़ता है। इसमें बैटरी इसके अंदर है तो वेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एक बार अच्छे से अगर आप सेट कर लेते ना तो आपको इसे खेलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोलर की। तो 2 कंट्रोलर मैंने आपको बताया, इसके साथ 2 कंट्रोलर मिलते हैं। इसमें मेन पॉइंटिंग वाला ये है, एक बटन यहाँ पर ये है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जॉयस्टिक है, ये आप जो देख रहे हैं एक जॉयस्टिक है, और एक्स और वाई बटन है जो अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें इसको लगाने की क्या जरूरत थी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, दिस इज काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल थिंग, इसको हटाया जा सकता था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसकी ग्रिप उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैप्स भी प्रोवाइड किए, आप चाहे उसे हाथ नहीं पहन सकते हैं, मैंने तो इसको पहना नहीं। ओवरऑल दिस इज क्वाइट गुड इनफ, तो ठीक है। ओवरऑल इसमें देखने के लिए सच ऐसा कुछ खास बाहर से दिखाने वाला नहीं है, मैं आपको इसके अंदर का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि ये वर्थ है कि नहीं, और अगर आप इसको खरीदने प्लान कर रहे हैं तो कैसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा।
तो आइए वीआर हेडसेट के अंदर का एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो इस तरीके के अंदर से आपको दिखाई देता है। जब फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर्स। और अगर आप उस बाउंड्री के बाहर जाते हो बेसिकली, या उसके अंदर कुछ आ जाता है जो आपको अलर्ट करता है, तो कहीं पर टकराने के चांसेस आपके एकदम खत्म हो जाते हैं। तो दैट पार्ट यू नीड नॉट वरी अबाउट, किसी टकरा जाएंगे या किसी टेबल चेयर से आप हर्ट हो सकते हैं। तो ये है, ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम इस घर के अंदर खड़े हुए हैं। ये एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा मैकबुक वाला एक्सपीरियंस इसके अंदर आता है। यहाँ से आप जो गेम सेंटर में एंटर कर सकते हैं और आप चूज कर सकते हैं कौन से गेम खेलने हैं। काफी सारे गेम्स फ्री हैं, काफी सारे गेम्स के ट्रायल वर्जन अवेलेबल हैं, और बहुत सारे गेम्स इसमें पेड हैं। तो उन बातों का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार हेडसेट ले लिया सब कुछ फ्री है। तो मैं आपको अपना इसमें सबसे फेवरेट वाला गेम दिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ गेम, इट इज ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसका पूरा VR एक्सपीरियंस है। राइट नाउ वी आर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अमेजिंग है बॉस। Welcome to the International Space बिल्कुल ऐसे ही Station. आपको लगेगा जैसे आप सही में Reach up with एस्ट्रोनॉट your हो, left सब hand कुछ आपके and चारों hold ओर down the चल X रहा है, button आप to चीजों reveal your एक्सपीरियंस कर tablet सकते हैं, वो चीजें computer. जैसे सामने से आ रही हैं तो बिल्कुल ऐसी फील आती है जैसे कि आपने उसको पकड़ लिया। मैं दूसरा गेम जल्दी से आपको दिखा देता हूँ जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, वो है बीट साबर। और वैसे आप लोगों ने काफी लोगों ने गेम खेले ही हो, लेकिन VR में इसको खेलने का मजा कुछ और ही है। चलिए आई विल बी साइलेंट एंड यू एंजॉय द म्यूजिक for next 30 seconds. तो मेरे फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं इसमें। ओवरऑल दिखा आपने, एक्सपीरियंस तो गजब का है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक बार इसको लगा लेते हैं तो आप सब भूल जाते हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन कॉस्ट की बात की जाए तो इंडिया में से अमेजोन पर ये करीब 40,000 रुपये का मिल रहा है। अगर दोस्त आपका कोई US से आने वाला है तो आप वहां से मंगा लीजिए, $269 का मिल रहा है, दैट इज आएगा 20,000 रुपीज़। बट फिर भी अगर आप प्राइस चेक करना चाहते हैं, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स वंडरफुल टॉय, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और यू विल लव इट फॉर श्योर। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर करता हूँ, आपके क्वेश्चन को भी डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।